हाय गाइस, सो सीए फाउंडेशन लॉ एंड बीसीआर एग्जाम के एक दिन पहले जो इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करनी चाहिए वो इस वीडियो में बताया जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एट वंस. सो अभी भी अगर तुम्हारे दिमाग में ये डर है कि लॉ का एग्जाम तुम क्लियर नहीं कर पाओगे क्योंकि लॉ में बहुत कुछ याद रखना पड़ता है, तुम पॉइंट्स को मिक्स कर दे रहे हो, याद नहीं रख पा रहे हो, तो डरो मत. पेपर नंबर 2 में दो पार्ट्स होते हैं. लॉ तो होता ही है बट उसके साथ साथ 40 मार्क्स का बीसीआर भी आता है, जो बीसीआर एक 9 और 10 का बेसिक इंग्लिश है. तो ऑब्वियस बात है ना, 9 और 10 में तुम इंग्लिश किए ही होंगे. एंड ये जो इंग्लिश है इसमें तुम सिर्फ दिन में 2 घंटा देना, जो एक दिन बाकी होता है उसमें सिर्फ अगर तुम 2 घंटे देते हो वो मोर देन एनफ होता है. सेंटेंसेस देख लेना, एक्टिव पैसिव वॉइस, फिर उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इनका सेंटेंसेस थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना. एंड इसके साथ साथ बीसीआर का फर्स्ट चैप्टर में जितना भी थ्योरी है वो कवर कर लेना, उसमें अराउंड आधा घंटा लग जाएगा. एंड इसके साथ साथ आधा घंटा लगा के या 1 घंटा लगा के सारे फॉर्मेट को देख लेना, जितना भी तुम्हारा प्रेसी राइटिंग, सर्कुलर राइटिंग, लेटर राइटिंग का फॉर्मेट है सब कुछ एक बार देख लेना ताकि तुम नियम अनुसार एग्जाम में लिख पाओ. एंड ट्रस्ट मी, ये 40 मार्क्स में 30 मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. एंड 30 मार्क्स अगर इंग्लिश में आ गया तो लॉ पेपर तुम्हारा आराम से क्लियर हो जाएगा, पेपर नंबर 2 बहुत आराम से तुम पास कर जाओगे. जब हम लोग लॉ की तैयारी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले वो पोर्शन रिवाइज करो जो तुम्हारा ऑलरेडी लर्न किया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा LLP किया हुआ है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का 2 यूनिट किया हुआ है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 2 यूनिट किया हुआ है, तब तुम कैसे पढ़ाई करोगे? तो ऑब्वियसली जो चैप्टर तुम्हारा कंप्लीटली खत्म हुआ हुआ है तो उसे हटा दो पहले, मतलब LLP का रिविजन पहले कंप्लीट करो, फिर तुम सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आओ उसका 2 यूनिट कंप्लीट करो, एंड देन मूव ऑन टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसका 2 यूनिट कंप्लीट कर दो. ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि अगर तुम नया यूनिट इस समय शुरू करने का कोशिश कर रहे हो तो ये बहुत बड़ा रिस्क है. तो बेटर ये है कि तुम पहले अपना जो भी कंप्लीट किया हुआ, जो भी तुम्हारा ऑलरेडी लर्न किया हुआ है उसे एक बार रिवाइज करके खत्म कर दो, फिर उसके बाद नए को शुरू करो, वरना पूरा दिन भी निकल सकता है एक नया यूनिट को पढ़ने में. एंड जो हर सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज योर RTPs एंड MTPs. हर सब्जेक्ट का तैयारी तब खत्म होता है जब तुम सारे बैक क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लो, मतलब सारे बैक क्वेश्चंस ऑफ योर ICAE मॉड्यूल, एंड RTPs को रिवाइज कर लो जो चैप्टर वाइज तुम्हें मिली जाएंगे. एंड एक बार जब तुम्हारा पूरा दिन का सारा सिलेबस जितना भी तुम कर सकते थे उतना कंप्लीट कर चुके हो तो MTP लेके रिवाइज कर लेना, एंड सारे क्वेश्चंस का वर्बली आंसर करने का कोशिश करना. ऐसा नहीं कि तुमने क्वेश्चन पढ़ा, हाँ ये तो आता है बोल के छोड़ दिए. अगर वो तुम्हें आता है तो वर्बली रिकॉल करो कि कौन से पॉइंट्स तुम एग्जाम हॉल में लिखोगे एंड कैसे फ्रेम करोगे अपने वर्ड्स में. एंड और एक इंपॉर्टेंट बात लॉ के प्रिपरेशन को लेके, दैट इज जब भी तुम केस स्टडी पढ़ो कोई भी चैप्टर का, उसे अलग से जॉट डाउन करके रखना, उसका नाम जॉट डाउन करके रखना. एट द एंड ऑफ द डे तुम नोटिस करोगे अराउंड 15-20 केस स्टडीज एक जगह जमा हो चुके हैं, एंड उतने ही इंपॉर्टेंट केस स्टडीज है फॉर सीए फाउंडेशन लॉ पेपर. एंड इसको एक बार में रिवाइज करने का कोशिश करना. एंड ऑफ द डे जब तुम रिवाइज करोगे तो तुम्हारा बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगा ओवर केस स्टडीज, वरना नॉर्मली स्टूडेंट्स का काफी कंफ्यूजन होता है ओवर द एक्सप्लेनेशंस ऑफ द केस स्टडीज. तो ये बात दिमाग में रखना. एंड अगर तुम्हारा कोई भी कंफ्यूजन होता है यू कैन रेफर टू दिस प्लेलिस्ट, इसमें सारे इंपॉर्टेंट केस स्टडीज मैंने एक जगह जमा करके रखा है. चलो रीडिंग टाइम के बारे में बात करते हैं. लॉ पेपर का जो रीडिंग टाइम होता है वो अकाउंट्स पेपर की रीडिंग टाइम से भी ज्यादा क्रूशियल होता है. ये मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जब दिमाग एक बार में इतने सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखता है ना पेपर नंबर 2 में, तो सारे आंसर्स दिमाग में नहीं आते हैं, एक मोमेंट के लिए दिमाग ब्लैंक भी हो सकता है. बट तुम्हें काम रहना है, एकदम रिलैक्स्ड रहना है, तो आराम से सारे पॉइंट्स तुम्हें दिमाग में आ ही जाएंगे. एंड इस समय टेंशन अगर तुम ले लो, अगर तुम पैनिक कर जाओ तो बहुत मुश्किल हो जाने वाला है. इट इज इंपॉर्टेंट, तुम्हें ये बात पता होना चाहिए कि आंसर्स एक बार में अगर दिमाग में नहीं आते ये बात नॉर्मल है. तुम्हारे पास 3 घंटे रहेंगे एंड थ्रू आउट द टाइम तुम्हें आंसर्स याद आ ही जाएंगे. बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम 2 क्वेश्चन को लेके पूरा टाइम सोचने बैठ जाओ. तुम बैक ऑफ द माइंड सोच सकते हो बट तुम्हारे पास काफी ज्यादा टाइम कंस्ट्रेंट रहेगा. ये बात भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लॉ पेपर में, पेपर नंबर 2 में टाइम कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा रहता है. मेरा खुद का पेपर 5 मिनट पहले कंप्लीट हुआ था एंड तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है. एंड याद रखना तुम्हें बहुत जल्दी लिखना है, तो जो पेन यूज करोगे वो काफी लाइट होना चाहिए, उसका वेट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ब्लैक डॉट पेन होना चाहिए, ये बात तुम्हें पता ही है. एंड प्रेजेंटेशन भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो मेक श्योर कि तुम्हारा हैंडराइटिंग अच्छा हो बट तुम जल्दी जल्दी लिखो.
ये पॉसिबल तब होता है जब तुम बहुत ज्यादा स्पेस दे दे के लिखते हो, तो ऑलरेडी ये एग्जामिनर के लिए काफी ज्यादा इजी हो जाता है। एंड वन लास्ट टिप फॉर योर पेपर नंबर टू इज दैट लॉ पेपर के लिए अपना इंग्लिश पेपर का कहीं सैक्रिफाइस मत करना। अगर तुम्हें लग रहा है कि लॉ पेपर तुम्हारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा टाइम में, तो इंग्लिश पेपर को बिल्कुल सैक्रिफाइस मत करना, क्योंकि मेरे ओपिनियन में BCR इज मच मोर स्कोरिंग यार, तो उसे बिल्कुल सैक्रिफाइस मत करना। अगर 9 and 10 में तुमने अच्छे से इंग्लिश पढ़ाई किया है, तो यार ये BCR तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। तो ये बात दिमाग में रखना। एंड दैट इज इट फॉर नाउ गाइज, जितने भी टिप्स थे मैंने सब कुछ दे दिया है एंड काफी कंसाइज रखा है ये वीडियो। सो दैट्स इट, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।